जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे एक बार अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों का गुणा करने से पहले एक बात जान लेनी जरूरी है कि कोई भी संख्या जब पी अपान क्यू यानी अंश बट्टे हर के रूप में दी हो उसे ही हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक। और भिन्न जो है एक परिमेय संख्या होती है, पी अपान क्यू के रूप में जब कोई भी संख्या दी हो तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं, और भिन्न एक परिमेय संख्या है और इसमें पी जो है अंश होता है और जो क्यू है वो हर होता है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जैसे पहला सवाल दिया है, दो बट्टे तीन गुणे सेवन बट्टे एट यानी सात बट्टे आठ। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अंश का अंश में गुणा करना होता है और हर का हर में। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं दो गुणे सात बट्टे तीन गुणे आठ, ठीक। यानी कि अंश का अंश में हर का हर में गुणा करके लिखना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है, अब सात दूना चौदह, यहाँ देखिए तीन और आठ आठ त्रिक चौबीस, ठीक। अब इसे हमें छोटा करना है यानी सिंपल कर लेते हैं, ठीक। दो से काटिए तो दो से सात बार में कट गया, दो से बारह बार में कट गया, यानी कि आंसर आ गया सात बट्टे बारह, ठीक। अब देखिए यहाँ शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए आपको बात अधिक समझ में आएगी आप लोगों को। तो देखिए यहाँ दिया है तीन बट्टे चार और गुणे सात बट्टे पाँच। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पहले ही देख लेना है, अगर सिंपल होने लायक हो छोटा करने लायक तो यहीं कर लिया जाता है, ठीक, आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए कटेगा नहीं कटेगा, तो अब हमें क्या करना है, ऊपर अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर लेना है। तो तीन का गुणा सात में और चार का गुणा पाँच में कितना हुआ, सात्रिक इक्कीस, चार पंज बीस, ठीक, आंसर हो गया इक्कीस बट्टे बीस, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसमें क्या दिया गया है, तीन भिन्न दिए गए हैं गुणे में, तो उसको हमें क्या करना है, उसमें भी देख लीजिए कोई कटने लायक है तो काट लीजिए। अभी गुणे में आपको पता है कोई कटने लायक नहीं है, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है दो गुणे तीन गुणे सात बट्टे तीन गुणे चार गुणे आठ, ठीक। यहाँ देखिए ये तीन तीन जो है हम इसे काट सकते हैं, ठीक, तीन से तीन कट गया। अब हमारे पास बचा कितना, ऊपर दो और सात, तो सात दुना चौदह बट्टे यहाँ पे आठ चौको बत्तीस, ठीक। अब हम इसे और छोटा कर सकते हैं, देखिए दो से काटे सात बार में, दो से काटे सोलह बार में, ठीक, आंसर आया हमारा सात बट्टे सोलह, ठीक। इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इसमें दिया गया है दो बट्टे पाँच आठ बट्टे तीन और तीन बट्टे चार। तो इसमें देखिए ये जो है तीन ये कट जा रहा है, सिंपल कर लीजिए यहीं पर, ठीक। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ जो कट गया वहाँ एक मान लीजिए, एक बचा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें ऊपर ऊपर अंश अंश का गुणा करना है। तो दो गुणे आठ गुणे एक, ठीक। आप देखिए यहाँ पे पाँच हर में पाँच गुणे एक गुणे चार, ठीक। आप देखिए कुछ इसमें और छोटा हो रहा हो तो कर लीजिए, तो ये चार से आठ कट गया दो बार में, ठीक। अब नीचे जो बचा, क्या बचा हमारा हर में, ऊपर अंश में देखिए क्या बचा, दो इंटू दो इंटू वन बट्टे यहाँ हर में देखिए पाँच गुड़े वन, ठीक, गुड़े वन। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं दो का दो दुना चार, ठीक। तो दो का गुड़ा दो में चार, ठीक, और चार में एक का गुड़ा होगा तो चार ही आएगा, ठीक। पाँच का गुड़ा एक में होगा पाँच ही आएगा, यानी कि इसका आंसर आया हमारा चार बट्टे पाँच। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भिन्नों के भाग के साथ। धन्यवाद।